हाल में ही रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मैंने संभाली है। बामुश्किल 1.5 महीने गुजरे हैं। इस बीच रक्षा मंत्रालय को समझने की अपनी तरफ से मैंने भरपूर कोशिश की। जिस दिन मैंने शपथ ली थी मंत्रिमंडल में शामिल होने की, उसके शाम को ही या दूसरे दिन सुबह मैंने आर्मी चीफ श्री बिपिन रावत को टेलीफोन करके कहा कि मैं मंत्रालय में बैठने के पहले, कामकाज शुरू करने के पहले, मैं चाहूंगा कि एक बार मैं अपने सेना के जवानों के बीच जाऊं और उनके साथ मैं सीधा संवाद स्थापित करूं। समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। दूसरे दिन ही, चार्ज लेने के दूसरे दिन ही, मैं सियाचिन में तैनात अपने जवानों से मिलने के लिए मैं गया था। लोगों ने मुझसे पूछा कि इस प्रकार का फैसला आपने क्यों किया। मैंने कहा, इस प्रकार का फैसला मैंने इसलिए किया, यदि रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने जा रहा हूं तो जो भी मैं फैसले करूंगा अपने बहादुर जवानों को केंद्र बिंदु में रखकर ही मैं फैसले करूंगा, यह संदेश देने के लिए मैं सियाचिन जाना चाहता हूं। इसलिए मैं सियाचिन गया। और कल ही कारगिल भी मैं गया था। कारगिल में प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुआ और मैंने देखा ऊंची ऊंची चोटियां जिस पर कि पाकिस्तान के लोग घात लगाकर धोखा देकर आकर पहले से बैठे हुए थे, कैसे हमारे बहादुर जवानों ने उन ऊंची चोटियों पर चढ़कर भारत को विजय दिलाई है, केवल कहानियों के माध्यम से सुनकर इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अद्भुत करिश्मा। कुछ जवानों के बारे में भी लोगों ने बताया, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर जोशी भी मौजूद थे, जिस समय कारगिल की लड़ाई हुई थी उन चोटियों पर चढ़ने वालों में एक वह भी मौजूद थे, एक अधिकारी थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी उस समय की घटना की जानकारी मुझे दी। बहनों भाइयों, मैंने कहा कि जब क्या हमारे ये चढ़ रहे थे ऊपर सारे ये बहादुर जवान, क्या उनको यह लगता नहीं था ऊपर बैठे पाकिस्तानी उनके ऊपर गोली चलाकर उन्हें मार डालेंगे। तो उन्होंने यह बताया कि एक जरूर यह था, हम मारे जा सकते हैं, यह पूरी संभावना थी, फिर भी हमारे बहादुर जामाज नौजवानों ने फैसला किया कि हम चोटी पर जाएंगे और पुनः चोटी पर हम विजय प्राप्त करके उसे हम भारत के हवाले करेंगे। पूरी लड़ाई के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी हासिल की। बहनों भाइयों, जब मैंने यह कहानी उनके द्वारा सुनी, यह दास्तान जब हमने उनके द्वारा सुनी, तो मुझे याद आ गई एक बात कि जनरल मानेकशॉ कहा करते थे, यदि कोई यह कहता है कि हमें मौत से डर नहीं लगता है, मृत्यु से हमको डर नहीं लगता है, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो भारतीय सेना का वह जवान है, दो ही हो सकता है। मुझे लगा कि सचमुच जो कहा है उन्होंने सही कहा, यह जानते हुए कि मैं मारा जा सकता हूं, उसके बाद भी हमारा जवान ऊपर की तरफ पूरे हिम्मत साहस और जज्बे के साथ बढ़ रहा है। और लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने मुझे यह भी बताया कि विक्रम बत्रा थे, विक्रम बत्रा ऊपर एक पोस्ट, पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा करने के बाद जब उन्होंने अपने अफसर को इन्फॉर्म किया कि हमने कब्जा कर लिया है, तो थोड़ी ही देर के बाद पुनः उन्होंने उनसे आदेश चाहा, तो अफसर ने उनसे पूछा कि आप आगे क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। तो विक्रम बत्रा ने कहा, जिसकी चर्चा अभी हमारे बख्शी साहब ने की है, कि दिल मांगे मोर, यानी हमने एक पोस्ट पर तो कब्जा किया है, दूसरे पोस्ट पर भी हम कब्जा करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, ऐसा जज्बा मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी देश के जवानों के अंदर देखने को नहीं मिल सकता है, जहां तक मैं समझता हूं। अद्भुत, माने मौत का आलिंगन करने के लिए वह तैयार बैठी है, देश के लिए अपने को, अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार बैठी है।
अब ऐसे जवानों के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ भी किया जाए वह कम है। सबसे बड़ा सम्मान यही है कि समस्त देशवासियों को शीश झुकाकर उनके प्रति उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं। और अभी बीके मित्र यह बोल रहे थे, जय हिंद भी यदि कोई बोलने वाला है तो हमारे वेटरन इंडिया का वह सदस्य हो सकता है। बड़ी बात है, यानी वेटरन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन यह मानकर चलता है जो भारतीय है और ऐसा भारतीय है जो इस हकीकत को समझता है कि न मैं न तो भारतीय से कम हूं और न तो न भारतीय से कुछ कम हूं और न तो भारतीय से कुछ ज्यादा हूं, मैं केवल और केवल भारतीय हूं, जो ये इस हकीकत को समझता है वह वेटरन इंडिया का सदस्य बन सकता है। और कई उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम भी अपने हाथों में लिए हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित था जिस समय मेरे द्वारा ट्रांसप्लांटेशन करा रहे थे, वृक्षारोपण या करा रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका शुभारंभ तो आप कर रहे हैं लेकिन हमारा यह संकल्प है कि हम देश में इस प्रकार से 10 करोड़ वृक्ष लगाने का काम करेंगे, 10 करोड़ वृक्ष लगाने का काम करेंगे। यह कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरफ से इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहनों भाइयों, जहां तक सेना के जवानों का अथवा पूरी फौज, चाहे हमारे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे जो भी हो, जितना भी संभव हो सकता है अपनी तरफ से मैं करने की कोशिश करूंगा। और मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में कोई आंच ना आने पाए, किसी भी सूरत में कोई सवालिया निशान न रहे, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान यही मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे बलवती भावना होती है। व्यक्ति जिंदगी में हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। स्वाभिमान यह व्यक्तिगत भी होता है, स्वाभिमान यह सामाजिक भी होता है और स्वाभिमान यह राष्ट्रीय भी होता है। और यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है 16 साल 18 साल 21 साल के नौजवानों ने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। पर फक्र है हमें कि हमारे भारतवासियों में इस प्रकार की प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की फौज पर हमारे देश की जनता का पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। कारगिल में आपने विजय प्राप्त की, पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी उस समय युद्ध हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें जो हमारी सेना ने करिश्माई काम किया था उसको भी आज यह देश कभी भूला नहीं है। और अभी हाल में भी उरी के बाद और पुलवामा की जो वारदात हुई थी उसके बाद बालाकोट में हमारे फौज के लोगों ने जो करिश्माई काम किया, बहनों भाइयों, सारा देश उससे गौरवान्वित है। देश की फौज के प्रति लोगों का विश्वास और लोगों का भरोसा यह बढ़ा है। और मैं आज के अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतना ही कहूंगा कि हम कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ, कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ अभी मनाने जा रहे हैं। और मैं जब कारगिल गया था तो मैंने देखा कि हमने कारगिल की 20वीं विजय की 20वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है तो उस समय बहुत सारे ऐसे जवान पैदा हुए होंगे जिनकी आयु शायद 18, 20, 21, 22 तक की इस समय होगी और उनमें से बहुत सारे ऐसे जवान होंगे कि जो आज सेना में वह भर्ती हुए होंगे। और मुझे इस बात की 2-4 मामलों की जानकारी है कि जिनके पिता शहीद हुए थे उनके भी बच्चे आज ये सेना में भर्ती हो रहे हैं। बहनों भाइयों, कोई छोटी बात नहीं। इसलिए
कारगिल के जो भी हमारे बहादुर शहीद थे और उनके अतिरिक्त भारत इस देश की सुरक्षा में, भारत देश की आन बान शान को बढ़ाने में जिन भी नौजवानों ने, जिन भी जाबाज हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, अधिकारियों ने शहादत दी है, मैं हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृति को, उनकी यादगार को मैं नमन करता हूं। और वेटरन इंडिया के अध्यक्ष वी के मित्र थे और जीडी बख्शी से मैं कह रहा था कि मैं यह चाहूंगा कि हमारा रेगुलर डायलॉग आप लोगों के साथ महीने डेढ़ महीने दो महीने में कम से कम एक बार होता है। और मैं यह कोशिश करूंगा, मैं कितना कर पाऊंगा कितना नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में तो मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, कोई दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर याद दिला सकता हूं कि अपने फौज के जवानों के लिए, अपने वेटरन्स के लिए जितनी हमारी ताकत है ताकत लगाकर मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करूंगा। इसमें कहीं से किसी प्रकार की कमी का आपको एहसास नहीं होगा और मैं समझता हूं कि कामयाबी भी हमको मिलेगी। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं वेटरन इंडिया को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत सारे वेटरन्स को स्थान स्थान पर एकत्रित करके, जैसे आज यहाँ इकट्ठा किया है बहुत सारे वेटरन्स को, मैं ये चाहूंगा कि देश के दूसरे भागों में भी इसी प्रकार से वेटरन्स के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना पैदा करने के लिए हमारे वेटरन्स का रोल क्या हो सकता है, इस पर भी विचार करके कोई ना कोई कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों के अंदर, समस्त देशवासियों के अंदर प्रखर स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिए वेटरन्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, उन्होंने कहा है कि हम भारत को आगामी कुछ वर्षों के अंदर विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। यह जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में हमारे वेटरन्स की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। यदि हम बेहतरीन इंडिया बनाना चाहते हैं तो वेटरन्स इंडिया का भी उसमें रोल है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आज के अवसर पर कुछ ज्यादा न कहते हुए फिर से मैं सारी वीर नारियों के प्रति शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं और सभी अपने कारगिल के शहीद और उसके अतिरिक्त भी जितने भी शहीद हुए हैं देश के लिए, ऐसे शौर्य और पराक्रम के धनी जाबाजों के लिए हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन।